नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी को राव राजा तुला सिंह बहादुर यदुवंशी और द ग्रेट गेम के बारे में बताने जा रहा हूं। द ग्रेट गेम पुस्तक पीटर हॉफकिर्क ने लिखी है, जिसमें राव तुलाराम के बारे में बहुत ही उदात्त वर्णन मिलता है। आज इतिहास के उस पहलू की चर्चा करूंगा जिसका अभी तक किसी ने वर्णन नहीं किया है। आप सभी ने राव राजा तुला सिंह के शौर्य की गाथा सुनी होगी, नसीपुर का युद्ध व मेवातियों का दमन सुना होगा, दिल्ली व मेरठ की क्रांति में उनके योगदान का आपको ज्ञान होगा, किंतु इससे भी अधिक उनकी कूटनैतिक व वैश्विक राजनीति की समझ उन्हें अन्य तत्कालीन राजाओं से श्रेष्ठ बनाती है। अंग्रेजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई हिंदुस्तानी राजा इतनी बारीकी से उनके खेल को समझता था। राव तुला सिंह बहादुर ने अपने दादा श्री कृष्ण के गुणा अनुसार सीधे रावण की नाभि को लक्ष्य बनाया था। नसीपुर के युद्ध के बाद उन्होंने अफगानिस्तान व रूस से ही संपर्क क्यों बनाया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्या इसलिए कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान का समीपवर्ती व सीमावर्ती राज्य था, तो फिर वे सीधा अफगानिस्तान जाने की बजाय पहले समुद्र के रास्ते रास्त में रूसी दूतावास क्यों गए? यह भी एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न रहा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें उस समय की वैश्विक राजनीति को समझना होगा, जिसे द ग्रेट गेम भी कहा गया है, और इस ग्रेट गेम का उल्लेख पीटर हॉफकिर्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट गेम में वर्णित किया है। अब जानते हैं क्या है द ग्रेट गेम। मध्यकाल आते आते यूरोप भी साम्राज्यवादी हो गया था। एशिया के जिन ट्रेड रूट्स को इस्लामिक सत्ताओं ने बंद कर दिया था, उन्हें यूरोपियन शासक दोबारा खोलना चाहते थे ताकि भारत तक पहुंचा जा सके और विश्व में अपनी प्रबल सत्ता स्थापित की जा सके। सभी का लक्ष्य भारत से मिलकर समृद्ध होना था तथा एशिया के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था, ताकि दूसरे यूरोपियन राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित कर सके और एक वैश्विक शक्ति बन सके। यूरोपियन शासकों ने अपनी आपसी लड़ाई के तहत फिन क्षेत्रों को अपने अधीन करना प्रारंभ किया। इस बीच फ्रेंच, ब्रिटिश, डच व पुर्तगाली समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने में सफल हुए, किंतु सिर्फ ब्रिटिश ही भारत को अपने अधीन कर सके, ताकि दूसरी तरफ रूस को घुमक्कड़ मंगोलों ने चार शताब्दियों तक रौंद के रखा था। मास्को के इवान तृतीय ने रूस को मंगोलों से आजाद करवाया, ताकि फिर कभी मंगोल सशक्त ना हो, रूस ने अपने पूर्वी क्षेत्रों को कब्जाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे रण क्षेत्र रूस से खिसकता हुआ पूर्व में मंगोल पहुंच गया। इस सफलता के बाद रूस मध्य एशिया के मैदानों को अपने अधीन करने में सफल रहा, तथा जहां घुमक्कड़ जातियां रहती थी न तो स्थाई नगर थे, वहां रूस ने उन जातियों को स्थान बदलने से रोका और राजधानियों के रूप में स्थाई नगर बसा दिए। ये नगर रूस की सेना के काम आने लगे और कैथरीन द ग्रेट में हिंदुस्तान तक पहुंचने की उम्मीदें जाग गई। कुछ समय बाद फ्रांस के नेपोलियन द ग्रेट और रूस के अलेक्जेंडर प्रथम अफगानिस्तान के हेरात के रास्ते भारत में अंग्रेजों पर हमला करने के इरादे बनाने लगे, किंतु नेपोलियन पहले ही हार गया। इस समय तक रूस अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंच चुका था। इसी समय अंग्रेजों के कान खड़े हुए और वे भारत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने लगे। पूरे विश्व में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए रूस और ब्रिटेन के मध्य
एशिया व अफगानिस्तान को लेकर जो संघर्ष हुआ उसे ही द ग्रेट गेम कहा जाता है। इसके लिए अंग्रेजों ने पहाड़ी मार्गों को अवरुद्ध करना प्रारंभ किया। पूरे मध्य एशिया में जासूसों का जाल बिछा दिया गया। रियासतों में अपनी कठपुतले बिठाने प्रारंभ किए। भारत के सीमावर्ती राज्यों की गद्दी पे अंग्रेजों ने अपने पुतले बिठाने की सोची। महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब व दोस्त मोहम्मद खां का अफगानिस्तान दो प्रमुख राज्य थे, जिनमें रणजीत सिंह अधिक शक्तिशाली थे व उनकी दोस्त मोहम्मद खां से दुश्मनी भी थी। अंग्रेज यहां दोनों से संधि नहीं कर सकते थे। रणजीत सिंह को प्रबल जान उन्होंने अफगानिस्तान के दोस्त मोहम्मद खां पर हमला कर शाह शुजा को गद्दी पर बिठा दिया, किंतु अफगानिस्तान में विद्रोह भारी था। काबुल में ब्रिटिश फौज जब तक थी तब तक ही शाह शुजा गद्दी पर बना रह सकता था। अफगानिस्तान में रूस के दखल की भी संभावना थी, अतः काबुल से फौज बुला ली गई। दोस्त मोहम्मद खां दोबारा गद्दी पर बैठ गया और पीछे हटते ब्रिटिश फौज के 16,000 सैनिकों को भी मार दिया गया। रूस अधीनस्थ क्षेत्र और ब्रिटिशों के अधीन क्षेत्रों की सीमा अगर मिल जाती तो अफगानिस्तान या पंजाब का यह क्षेत्र रणभूमि में तब्दील हो जाता और अंग्रेजों को भारी नुकसान होने की संभावना थी। इसलिए लॉर्ड मेयो ने सुझाव दिया कि अफगानिस्तान को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और उसमें रूस की दखल पर काबू किया जाए। रूस भारत आना चाहता था और ब्रिटेन भारत को अपने अधीन रखना चाहता था। इस लड़ाई में अफगानिस्तान बीच में फंस गया। राव तुला सिंह बहादुर उर्फ राव तुलाराम यदुवंशी का द ग्रेट गेम में दखल। लोगों की यह मान्यता है कि 1857 का विद्रोह एक सोची समझी रणनीति के तहत नहीं हुआ था, अपितु कारतूसों में चर्बी से भड़के सैनिकों से उत्प्रेरित एक असंगठित विद्रोह था, किंतु तथ्य ठीक इसके विपरीत है। हुआ यूं कि 1856 में हिंदुस्तान में यह खबर आने लगी कि रूस तुर्किस्तान के रास्ते भारत आना चाहता है। भारत में अंग्रेजों की पकड़ इस बात पर निर्भर थी कि अफगानिस्तान में रूस आता है कि नहीं। पूरे विश्व में ब्रिटिश प्रभुत्व की सुरक्षा भी इसी बात पर निर्भर थी। इस खबर पर अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से पूछना आरंभ किया कि अगर रूस आगे बढ़ता है तो क्या वे अंग्रेजों का साथ देंगे। राव तुला सिंह बहादुर उर्फ राव तुला राम सिंह यदुवंशी ने लिखा है कि मैंने और अन्य राजाओं ने साथ देने से मना कर दिया और रूस के आगे बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए एक विद्रोह को पनपाया और अंग्रेजों से युद्ध आरंभ कर दिया। रणनीति यह थी कि अंग्रेजों को दो मोर्चों पर लड़ने को विवश किया जाए, अफगानिस्तान में रूस के विरुद्ध और भारत में स्थानीय राजाओं के विरुद्ध। किंतु 1857 में इतनी भारी मात्रा में गद्दारी हुई कि भारत में विद्रोह असफल हो गया। इसके बाद विद्रोही राजाओं की एक सभा कालपी में बुलाई गई, जहां यह फैसला लिया गया कि रूस को अफगानिस्तान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए और अफगानिस्तान की तरफ पलायन कर रहे भारतीय सैनिकों को काबुल में एकत्रित किया जाए। इस कार्य के लिए पूरे संग्राम में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले राव तुला सिंह बहादुर यदुवंशी उर्फ राव तुलाराम को सबसे योग्य शासक माना गया। अफगानिस्तान में दखल का जो मार्ग रूस वर्षों से ढूंढ रहा था वो अब राव तुलाराम सिंह उर्फ राव तुला सिंह बहादुर को दिखाना था। इससे एशिया के व्यापार पे अंग्रेजों के एकाधिकार का खात्मा होना था। यह अंग्रेजों के जेवल्स इन द क्राउन पे सबसे बड़ा खतरा था, जिस खेल की अंग्रेजों ने भारतीयों को भनक तक नहीं लगने दी थी वहां अपना दखल देकर राव तुलाराम और राव तुला सिंह बहादुर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी थी। इसलिए राव तुला सिंह बहादुर उर्फ राव तुलाराम को पहले रूस जाना था।
मुंबई से एक समुद्री जहाज के रास्ते वे बुशहर पहुंचे, वहां ईरान के अमीर से मिले, फिर रास्ते में रूसी दूतावास पहुंचे। उसके बाद वे काबुल में दोस्त मोहम्मद खान के शाही मेहमान बने। इस दौरान ब्रिटिश जासूसों का जाल हर समय उनके पीछे पड़ा रहता था। जब वह बुशहर के बंदरगाह पर उतरे तब वहां पर उनके पोस्टर लगाए हुए थे, लेकिन राव तुला सिंह उनको हर बार चकमा देते रहे। अफगानिस्तान में पलायन किए हुए भारतीय सैनिक राव तुलाराम उर्फ राव तुला सिंह बहादुर के प्रयासों से काबुल में इकट्ठे होने लगे। दोस्त मोहम्मद खान ने भी अपनी सेना का समर्थन देने का आश्वासन दिया। काबुल में ब्रिटिश जासूसों की भरमार थी, जिनसे सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद दोस्त मोहम्मद खान ने ली थी, किंतु अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और 23 सितंबर 1863 को उनका देहावसान हो गया। इस तरह यदुवंश का एक हीरा अपने दादा श्री कृष्ण के श्री चरणों में राष्ट्र रक्षा करते हुए विलीन हो गया। और यह घटना किस तरह भारतीय राष्ट्रवाद के आंदोलन को प्रेरित करती रही कि इसी घटना से प्रेरित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनके पद चिन्हों का अनुसरण किया और विदेशों से सहायता मांगी। अंग्रेजों पर सबसे बड़ा आघात मेरठ, दिल्ली और या नसीपुर के जंग में हुई थी, बल्कि राव राजा राव तुलाराम द्वारा द ग्रेट गेम में अंग्रेजों की सबसे बड़ी चिंता अफगानिस्तान में दखल देना था। खैर, नियति इंसान के हाथों में नहीं, इंसान के हाथ में तो बस कर्म करना ही है। 19वीं शताब्दी के भारतीय राजनीतिज्ञों, सेना नायकों, योद्धाओं में राव तुलाराम सिंह बहादुर के नाम का हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। उनका जीवन हमेशा राष्ट्र प्रेमियों को प्रेरणा देता रहेगा और उनको राष्ट्र जन जागरण का अग्रगामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मार्गदर्शक व पथ प्रदान व पथ प्रदर्शक माना जाएगा। राव मानसिंह जी ने राव तुलाराम पर अपनी किताब में लिखा है, हरचंद ये सरदार हसमत व दौलत में अपने दादा साहब महाराजा राव तेज सिंह के किसी जागीरदार के जोड़ का भी न था, क्योंकि अंग्रेजों ने बार बार इनकी जागीर को कुर्की की थी, लेकिन अपनी जाति, अपनी लियाकत, होशियारी से नामोरी व शौहरत रईस नामा से बढ़कर पैदा की, बल्कि 1857 ईस्वी की रवाना बर्बादी में बजाय गुमनाम होने के अपनी अलूवल गर्मी से इलावा हिंदुस्तान के विलायत ईरान व तुरान व इंग्लिस्तान व अफगानिस्तान वगैरह में मशहूर हो गए। धन्य है हिंदुस्तान की ये वीर प्रसूनी धरा, जिसमें यदुवंश के ऐसे हीरे राव तुलाराम उर्फ तुला सिंह बहादुर यदुवंशी अपने पुस्तैनी दादा श्री कृष्ण की वंश परंपरा का निर्वहन करते हुए राष्ट्र पर न्योछावर हो गए। इसके रेफरेंस के लिए जो बुक्स यूज की गई वो है होप किर्क पीटर द ग्रेट गेम ऑन सीक्रेट सर्विस इन हाई एशिया, जॉन मुर्रे 2006, राइस नोस विस्की निकोलस ए हिस्ट्री ऑफ रशिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2011, राव तुलाराम एंड सक्सेसर्स बाय लक्ष्मी नारायण, थीसिस सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री MDU रोहतक, म्यूटिनी एट द मार्जिन्स न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन अपराइजिंग क्रिस्पिन बेट्स 2017 एंड मेनी मोर। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव।